आज तक आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग फॉर्मूले पढ़े होंगे। बहुत सारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े होंगे। बहुत सारे लोगों ने लाइफ के अलग अलग सूत्र अलग अलग साइंस में फॉर्मूले पढ़े होंगे जो कि कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थे, बहुत यूजफुल थे। और उन फॉर्मूलों की सहायता से इंसान की जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएशन हुआ, आपके कोर्स में कुछ वैल्यू क्रिएशन हुआ और वही फॉर्मूले आपके उस चैप्टर के सूत्रधार बने। दुनिया में हम सब बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, हमारे सबके मन में एक क्लियर डायरेक्शन होता है कि यार मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरा भी अपना एक खुद का बिजनेस होगा, मैं भी मालिक रहूंगा अपने बिजनेस का, मुझे भी किसी की बातें नहीं सुननी, मुझे भी किसी की नौकरी नहीं करनी। बहुत सारे एक्स वाई जेड कंटेंट्स हमारे दिमाग में होते हैं और इन कंटेंट्स को हम सूत्र मानकर हम अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला लेते हैं कि यार मुझे जॉब ना करके मुझे बिजनेस करना है। मगर क्या ये सही रास्ता है, क्या ये सही तरीका है किसी बिजनेस को करने का? अगर ये सही तरीका होता तो आज दुनिया का हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति एक बिजनेसमैन होता, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो बिजनेस ओपन करे, हर व्यक्ति चाहता है कि वो बिजनेस करे, बिजनेस आगे बढ़ाए, बिजनेस चलाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। और स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस में और ग्रोथ करना, बिजनेस को बंद ना होने देने की एक जरिया क्रिएट कर देना, ये सारी चीजें आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए बिजनेस का शुरुआत सिर्फ आपकी जरूरतें, पैसों की ललक, अपना खुद का काम से मतलब किसी और की नौकरी ना करना, ये सारे बिजनेस स्टार्ट करने के कोई रीजन नहीं हो सकते। तो एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट करने का जो पहला पी स्टार्ट होता है, जिससे किसी भी बिजनेस की एक नींव रखी जाती है, दैट इज प्रॉब्लम, समस्या। दुनिया में हर वो बिजनेस जो किसी समस्या का समाधान है वो आज भी आपके सामने खड़ा है और आज भी लगातार जिंदगी में ग्रोथ कर रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रमोशन, हर दिन कुछ नया ना क्या उसमें वैल्यू एड किए जा रहे हैं। हर वो समस्या जो आपके आसपास आपकी जिंदगी में आपके लाइफ में खड़ी होती है, उन समस्या का समाधान अगर आपने ऐसे दे दिया कि आप कस्टमर उसको वैसे नहीं कर पा रहा है। समझिए जो मैं बोलना चाहता हूं कि यार सिंपल सी चीज है, आपने जिंदगी में किसी ऐसी समस्या को देखा, किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो किसी ऐसी समस्या को आपने कैप्चर किया जिस समस्या का समाधान अभी तक इस पृथ्वी पर, इस संसार में मौजूद नहीं है, और उस समस्या का आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसा समाधान दे दिया कि जिसका समाधान कोई और नहीं दे पा रहा था। तो ये सबसे पहला स्टेज होगा जहां पे आप अपने बिजनेस को स्थापित करने की शुरुआत रख सकते हैं, नींव रख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी समस्या जिसको कोई ना सॉल्व कर पाए, उसको अगर आपने अपने तरीके से सॉल्व कर दिया, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आपके दिमाग में जो भी आपके बिजनेस का प्लान है, सोचिए कि उस सेक्टर में अभी तक की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके समाधान को क्या मैं ऐसी तरीके से दे सकता हूं या दे सकती हूं जो कोई ना दे पाए। क्लियर हो रहा होगा, मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान मैं कितनी बढ़िया ढंग से दे सकता हूं या दे सकती हूं कि जैसे कस्टमर खुद ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं जोमैटो की, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इंसान समय के साथ साथ थोड़ा सा लेजी हो रहा था, थोड़ा सा आलसी हो रहा था, उसे उस पर्टिकुलर जगह की फूड खानी थी, उसे उस ढाबे का, उसे उस रेस्टोरेंट का स्वाद चखना था, लेकिन ना ही उसके पास इतना समय था कि वो खा सकता था, ना ही उसके पास इतना मतलब बोल सकते पैसा भी था, ना व्हीकल्स थे कि वो वहां तक जाए, वहां तक समय लगाए, वहां तक के लिए इन्वेस्टमेंट करे, तो वो कहीं ना कहीं उस टेस्ट से वंचित रह जाता था, वो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान खोज रहा था, यार मुझे जाना ना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए कि यार वो प्रॉब्लम का मेरा सॉल्यूशन मिल जाए। और एक दिन अचानक से कंपनी ने आया, बोला कि यार आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, और सॉल्यूशन उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि आपको आने की भी जरूरत नहीं, आपका पसंदीदा खाना जिस भी कंपनी से आप ऑर्डर करना चाहते हो, जिस भी रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करना चाहते हो, आप
ऑर्डर कीजिए और आपके दरवाजे तक आपका मनपसंद खाना पहुंच जाएगा। उनके दिमाग में ये जोमैटो या फिर ये ऑप्शंस बहुत बाद में आए, ये सब नाम हम, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले क्या आया उनके दिमाग में, एक प्रॉब्लम आया कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो किसी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का फूड ऑर्डर करना चाहते होंगे, खाना चाहते होंगे। ये फूड ऑर्डर का सिस्टम भी नहीं था, वो बस टेस्ट लेना चाहते होंगे कि यार वो नए ढाबा है, वहां का नाम सुना है, वहां का नाम सुना है, घर बैठे कैसे खा सकते हैं। और उस समस्या का इन्होंने समाधान दे दिया, दैट इज योर Zomato। रेड बस की स्टोरी भी अगर आप देखें, रेड बस आज एक बहुत अच्छा शानदार ब्रांड है इंडिया का, जिसका काम है बस की ऑनलाइन बुकिंग करना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, IIT के दो स्टूडेंट्स जो कि कहीं ना कहीं बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, और दिवाली का समय आया, उन्हें वापस अपने घर जाना था, उनमें से एक दोस्त ने कैसे भी जुगाड़ लगाकर व्यवस्था करके घर चला गया, लेकिन दूसरा दोस्त वहां पे फंस गया। अब जब वो बस वालों को फोन करे तो कंडक्टर को समझ भी ना आए कि कौन सा सीट खाली है कौन सा नहीं खाली है। जब वो सामने वाले के कॉल पे या फिर जो बस ऑनर थे उनको फोन करे तो बस ऑनर बोलता था कि मुझे पता ही नहीं है खाली है नहीं है, बुकिंग फुल चल रही है। तो उन्होंने एक बड़ी समस्या को समझा कि यार ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट होंगे जो अपने घर जाना चाहते होंगे लेकिन बस में सीट खाली होने के बावजूद वो घर पहुंच नहीं पाते होंगे, क्योंकि किसी के पास इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि आखिर वो सीट खाली है नहीं है, जा सकती है नहीं जा सकती है, वहां पे ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। तो बस जब वो कैंडिडेट घर नहीं जा पाया तो उसने अपने उन दिवाली की छुट्टियों में एक ऐसी प्रोग्राम की रचना की जिस प्रोग्राम का नाम आज दिया गया रेड बस। इतिहास गवाह है कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो रिलैक्सो की चप्पल हो, चाहे वो आपका UPI गेटवे हो, हर जब जब दुनिया में कोई समस्या देखी गई, कोई ऐसी चीजें देखी गई जिनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो उन समस्याओं का समाधान किसने किया? एक बड़ी समस्या के समाधान, एक बड़ी समस्या को सॉल्यूशन देने वाले प्रोडक्ट ने किया।